नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दर्श न्यूज में। मैं हूं दिव्यांशु और हाजिर हूं इस खास बुलेटिन को लेकर। चलिए जानते हैं अब तक की प्रमुख खबरों को। IRCTC घोटाले मामले की सुनवाई 22 जुलाई तक टाल दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। इस केस के आरोपी जमानत पर बाहर हैं। RJD सुप्रीमो लालू यादव भी जमानत पर चल रहे हैं। IRCTC के टेंडर में अनियमितता का केस है। CBI ने लालू राबड़ी को इस केस में आरोपी बनाया है। लालू यादव पर पद के दुरुपयोगों का आरोप है। लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के NDA में शामिल होने के संकेत मिलने लगे हैं। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली NDA की बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान को BJP ने न्योता भेजा है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें चिराग को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये मीटिंग दिल्ली में 18 जुलाई को शाम 5 बजे होटल अशोका में होगी। चिराग के अलावा बैठक में शामिल होने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी आमंत्रण मिला है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने इसकी जानकारी दी है। पटना में BJP विधानसभा मार्च के दौरान पुलिसिया लाठीचार्ज के विरोध में बिहार भाजपा ने आज राज्य भर में काला दिवस मनाया और सरकार का पुतला दहन किया। शनिवार को बिहार BJP ने पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन की। पटना में प्रदेश भाजपा कार्यालय में धरना का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित अन्य नेता शामिल हुए। बिहार सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से IAS अधिकारी जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन को जेल से समय पूर्व रिहा किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की है। सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा है कि कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया की ओर से आनंद मोहन को जेल से रिहा करने के खिलाफ दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, ऐसे में इसे खारिज कर दिया जाए। चंद्रयान 3 की सफलता लॉन्चिंग में बिहार के 2 होनहारों ने कमाल किया है। इनमें एक हैं समस्तीपुर के कुबौली गांव निवासी अमिताभ और दूसरे हैं सीतामढ़ी जिले के पुपरी निवासी रवि कुमार। अमिताभ ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ऑपरेशन डायरेक्टर की भूमिका निभाई। वहीं रवि कुमार ने नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल किया। अमिताभ चंद्रमा की सतह पर रोवर के उतरने की निगरानी भी करेंगे। इनकी सफलता ने बिहार के लोगों को दोहरी खुशी दी है। खबर झारखंड से है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि सरकार ने जिस मकसद से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल खोले हैं, उसका सार्थक परिणाम सामने आना चाहिए। CM हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय समय पर इन विद्यालयों का निरीक्षण कर वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लें। 3 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से कोसी और सीमांचल में बहने वाली सभी छोटी बड़ी नदियां उफना गई हैं। बांका में एक बार फिर पंजवारा स्थित चीर नदी पर बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव में शुक्रवार देर रात बह गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। डायवर्सन टूटने से एक बार फिर बिहार का झारखंड और बंगाल से सीधा सड़क संपर्क भी टूट गया है। उत्तर भारत के कई शहरों में भारी बारिश से पटना से उन शहरों के लिए उपलब्ध विमानों उत्तर भारत के कई शहरों में भारी बारिश से पटना से उन शहरों के लिए उपलब्ध विमानों के किराए में भारी कमी आई है। पटना से दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ जाने वाले विमानों में पिछले कई दिनों से किराए की बढ़ोतरी से यात्रियों की जेब ढीली हो रही थी। अमूमन 9,500 और उससे भी ऊपर रहने वाले पटना मुंबई रूट का किराया 18 जुलाई से 6,000 हो गया है। पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में शुक्रवार को दिन में झमाझम बारिश हुई। राजधानी में सावन की पहली बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली है। बारिश और ठंडी हवाओं से पटना समेत 22 जिलों में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों मधेपुरा, सहरसा, मधुबनी, खगड़िया, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा में भारी व अति भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान पटना में भी आंशिक से मध्यम बारिश के आसार हैं। खबर खेल के मैदान से। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट में करारी शिकस्त दी। भारत ने 3 दिन के भीतर वेस्टइंडीज को पारी और 141 रन से धूल चटाई। भारत की जीत में भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मैच में कुल 12 विकेट लिए। अश्विन ने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 7 शिकार किए। अश्विन ने मैच में दमदार प्रदर्शन के दम पर भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है।
अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अश्विन फिलहाल 271 मैचों में 709 विकेट झटक चुके हैं। तो अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook, Twitter और Instagram पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।